तो दो, एक सेकेंड। हेलो, बोलना रे, कुछ बोलना। A few moments later. अरे बोलना। ये क्या हो गया, लग गए लग गए लग गए लौड़े लग गए। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है जैसा अभी मेरे साथ हुआ कि मैंने अभी जैसे फ़ोन लगाया था और अचानक से फ़ोन मेरा रिकवरी मोड में चला गया? या फिर तुम्हारे साथ ये भी हुआ हो कि तुमने जब उस Realme Dialer के APK को इंस्टॉल किया हो तब तुम्हारा जो फ़ोन है रिकवरी मोड में चला गया। अब जिन लोगों को नहीं पता, मैंने कॉल रिकॉर्डिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए एक वीडियो बनाई थी जो कि ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। उसमें बताया था एक Realme Dialer का APK का पैकेज रहता है, उसे इंस्टॉल कर लेने के बाद आप लोग कॉल्स को रिकॉर्ड कर सकते हो बिना अनाउंसमेंट के, एकदम आराम से। तो कॉल रिकॉर्डिंग तो होती है, लेकिन कुछ बग्स आ चुके हैं जिसे सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे ये रिकवरी मोड में चले जाने वाला और बहुत सारे बग्स, जैसे कि मिस कॉल का नोटिफिकेशन नहीं आता है और डायलर पे जब आप लोग क्लिक करते हो तो वहाँ से कॉल नहीं लगता, आपको गूगल डायलर का यूज़ करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे बग्स थे जिनका सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में मैं लेकर आ चुका हूँ, तो वीडियो को पूरे एंड तक देखो। मेरा नाम उत्पल और अब समय हो चुका है वीडियो को स्टार्ट करने का, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग दोस्तों थोड़े मोड़े होशियार हो गए तो आप लोग को ये पता होगा कि कोई भी ऐप में अगर कोई बग होता है तो वो एक अपडेट से फिक्स हो जाता है। तो सिंपली हमें इन ऐप्स को अपडेट करना होगा। तो अपडेट कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन दोस्तों अपडेट करने से पहले हम लोग को इन्हें अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले किसी भी एक पर क्लिक करके अनइंस्टॉल कर दूँगा, तो कॉन्टैक्ट्स और फ़ोन दोनों हट जाएंगे। मैसेजेस को भी मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ। आप दोस्तों आपको जो अगली चीज़ करनी है वो ये है कि आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है पैकेज का, आपको उस लिंक पर क्लिक करना है और सीधा आप लोग यहाँ रीडायरेक्ट हो जाएगा। मैं लिंक को कॉपी किए हुआ हूँ और यहाँ उसे पेस्ट कर देता हूँ सिंपली। उसके बाद यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक कर दूँगा तो यहाँ पर एक फ़ाइल आ जाएगी जो कि मैंने बना दी है आप लोगों के लिए अपडेट वाली। तो वो फाइल यहाँ पर है, थोड़ा लोड हो जाने दीजिए, चाहे नहीं भी होने दीजिए। यहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन आपको दिखता है, आप लोग सिंपली उस पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ आप लोग क्रोम चूज़ कर लेना। क्रोम चूज़ करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख लो डाउनलोड एनीवे लिखता है, हार्म करेगा फाइल को वायरस वायरस, लेकिन कुछ होता नहीं है दोस्तों। आप लोगों को सिंपली डाउनलोड एनीवे पर क्लिक कर देना। उसके बाद आप लोगों के सामने डाउनलोड का ऐसे आ जाएगा ऑप्शन, तो आप लोग को इस पर डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आप में से कुछ ज़्यादा होशियार लोग जो होंगे वो वीडियो को यहीं पर पॉज करके चले जाएंगे, लेकिन दोस्तों वो फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो वो फाइल अभी डाउनलोड हो रही है, तो हम लोग थोड़ा देर वेट कर लेते हैं और उसके बाद आप लोगों को मैं इसका पासवर्ड बता दूंगा। और बहुत सारी चीज़ें और भी आपको करनी है, सिर्फ पासवर्ड से ही आपका काम नहीं चल जाएगा, कुछ और भी चीज़ें होंगी जिसके बाद आपका ये जो डायलर है वो अच्छे तरीके से वर्क करेगा, कोई भी बग नहीं रहने वाला है। यहाँ पर देख लो डाउनलोड हो ही गया बातों बातों में। तो सिंपली हमें क्या करना है, हमें अपने फाइल मैनेजर में चले जाना है। एक चीज़ देख लो दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले ही दिखा दूँ, यहाँ जो कॉन्टैक्ट्स का वर्जन है ये 4.420 है और अगला जो मैं अभी लाया हूँ वो थोड़ा अलग है। तो यहाँ पर ये Realme Dialer zip है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ एक्सट्रैक्ट ऑल पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपसे पासवर्ड पूछ लेगा, तो पासवर्ड मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पर स्क्रीन पर भी आप लोग साइड में पासवर्ड देख सकते हो, बड़े छोटे लेटर्स जैसा लिखा हुआ है स्क्रीन पर वैसे ही सेम लिखना, तभी खुलेगा। और यहाँ पर इसे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ एक्सट्रैक्टिंग हो जाएगा, तो हम लोग इसे एक्सट्रैक्ट होने देते हैं। एक्सट्रैक्ट हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका Realme Dialer फिक्स्ड करके एक आ जाएगा आपके डाउनलोड में ही, जहाँ पर ये सेव होगा वहीं पर आ जाएगा। तो यहाँ डाउनलोड पर क्लिक कर देना। उसके बाद Realme Dialer फिक्स पर दोबारा से क्लिक करना और सारी चीज़ें आ जाएंगी। और यहाँ पर देख लो 4.430 यानी कि अपडेटेड है। आप लोगों को सिंपली इन्हें नंबर वाइज ही इंस्टॉल करना है, जैसा पिछली बार आपने किया था तो इस बार भी हम लोग कर लेते हैं। दोस्तों APKs के इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको अभी और भी कई सारी चीज़ें करनी है, जैसे कि हमें पहले जाकर सेटिंग्स में, ऐप मैनेजमेंट में जाने के बाद, ऐप लिस्ट में जाने के बाद हमें सर्च करना है कॉन्टैक्ट्स, CON कॉन्टैक्ट्स आपको स्पेलिंग आती होगी, गूगल वाले कॉन्टैक्ट्स पे पहले जाना है। उसके बाद यहाँ मैनेज नोटिफिकेशन में अलाउ नोटिफिकेशन को आपको ऑफ कर देना है, फिर बैक आ जाना है। फिर आपको यहाँ पर फ़ोन सर्च करना है, PHONE आपको भी मालूम होगा। यहाँ पर मैनेज नोटिफिकेशन में जाना, इन दोनों को ऑफ़ करना और डॉट बैगेज को डू नॉट शो कर देना। उसके बाद यहाँ पर और कई चीज़ें नहीं है आपको करने के लिए, बैक आ जाना। उसके बाद आपको फ़ोन Realme Dialer वाले पे जाना है। उसके बाद आपको यहाँ मैनेज नोटिफिकेशन में यहाँ पर बैगेज डॉट रहेगा, यहाँ पर सारी चीज़ें आप लोगों को ऐसी ही रहनी चाहिए। एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ सिस्टम डिफ़ॉल्ट चैनल में जाने के बाद यहाँ बैनर पर इसे आप लोग को अलाउ कर देना है। उसके बाद फिर बैक आना और फिर कॉन्टैक्ट्स आपको Realme Dialer वाले पर जाना है, तो कॉन्टैक्ट्स Realme Dialer वाले पर जाना। फिर मैनेज नोटिफिकेशन में जाने के बाद यहाँ पर आप लोग सिस्टम डिफ़ॉल्ट चैनल पर क्लिक करके इसे भी बैनर अलाउ कर देना। उसके बाद आपने जो भी सारी चीज़ें अलाउ की है वो सब चीज़ें अब हो जाएंगी। आपको फिर नेक्स्ट क्या करना है, आपको अपने डायलर को ओपन कर लेना है। यहाँ एग्री एंड कंटिन्यू के बाद अलाउ अलाउ वाला फंडा आपको चलने वाला है, तो अलाउ अलाउ कर देना है आपको। उसके बाद आप लोग ऐसे सिस्टम डिफ़ॉल्ट में अगर आप लोग चाहो तो आप लोग यूज़ कर सकते हो, नहीं तो मैं कहूँगा दोस्तों कि आप लोगों में अभी भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करके बैक आ सकते हो। लेकिन अगर आप लोग अब चाहो तो रियलमी डायलर का भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ समझ जाओ, ये डायलर खुलेगा ही खुलेगा, क्योंकि इसे अनइंस्टॉल करने का कोई भी अभी नहीं हमें पता चला है कि इसे अनइंस्टॉल कैसे करें। तो ये डायलर तो खुलने ही वाला है, तो क्यों ना आप लोग इसे ही यूज़ करो। लेकिन इसे लगा के भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं अभी इस नंबर पे क्लिक करके फ़ोन लगा देता हूँ। कॉल लग गई दोस्तों, आप लोग देख सकते हो। दरअसल कॉल जिस पे लगी है उसी फ़ोन से अभी रिकॉर्ड हो रहा था, तो तुरंत मैंने काट दिया। आप लोगों को पहले गूगल डायलर आया हो तो वहाँ पे आप लोग सिंपली बैक करते तो आ जाता। उसके लिए मैं आप लोगों को एक और दिखा देता हूँ। 198 पर लगा कर, तो यहाँ 198 पर भी कॉल लग गया, उसी के थ्रू लगा है। फिर आप लोग सिंपली बैक आ जाओगे तो आपके सामने आ जाएगा रिकॉर्डिंग। आप लोग कर लोगे आराम से, सेव वगैरह भी अच्छा से हो जाएगा। मैंने ट्राई करके देख लिया है। सिंपली यहाँ पर इसे आप लोग यहाँ से कट कर दो या फिर ऊपर से भी आप लोग कट कर सकते हो। अब आपके जो भी मैसेजेज आएंगे उसके भी नोटिफिकेशन, मिस कॉल के भी नोटिफिकेशन आपको कैसे यहाँ पर एक नंबर दिखने लगेगा कि आपको एक मिस कॉल है, दो मिस कॉल है, उस टाइप से नंबर यहाँ पर दिखने लगेगा। मैसेजेस में भी आप लोग जाकर यहाँ पर इसे अलाउ अलाउ कर सकते हो, मैसेजेस का भी यूज़ कर सकते हो अगर चाहो तो। लेकिन मैं पर्सनली मैसेज गूगल वाले को ही प्रीफर करता हूँ। आप लोग जो चाहो वो कर सकते हो, आपकी मर्जी है टोटल। तो कैसी लगी ये वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नया और उसे सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर दो। उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके उसे ग्रे कर दो। हमें भी लाल कलर पसंद नहीं है दोस्तों, पर रखना पड़ता है। खैर तुम सब्सक्राइब कर देना। अब मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।